लाहौरी चिकन टिक्का रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी आप लोग इस वीडियो देख के आसानी से सीख सकते हैं लाहौरी चिकन टिक्का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी मुर्ग टिक्का। लाहौरी मुर्ग टिक्का वो हम किस तरीका से बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो देख रहे हैं लाहौरी मुर्ग टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चिकन लेग बोनलेस मीट और इसे हमने टिक्का शेप में अच्छा से कटिंग करके वॉश करके वाटर रिमूव करके ट्रे में सेट करके रखा है। देख रहे हैं ना 40-50 ग्राम वेट में चिकन लेग बोनलेस को हमने टिक्का शेप में काटा है। तो सबसे पहले इस चिकन को अच्छा से फास्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों फास्ट मैरिनेशन के लिए सबसे पहले ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपको क्या करना है, ऐड करना है 2 बड़ी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक 1 स्पून, ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, 5-7 लेमन का लेमन जूस, नटमेग पाउडर 1/2 टीस्पून, ग्रीन चिल्ली पेस्ट 1 स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 स्पून, कोरिएंडर लीव्स, करेंगे थोड़ा सा ऑयल। आपका पास सलाद ऑयल है तो सलाद ऑयल, नहीं तो रिफाइन ऑयल ऐड कर लीजिए। अब हम धीरे धीरे इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे और आपका चिकन जब मिक्स हो जाए तब आपको क्या करना है, इसे आधा घंटा के लिए फ्रीजर या चिल्लर में रेस्ट देना है। दोस्तों लाहौरी मुर्ग टिक्का का मसाला बनाने के लिए देख रहे हैं बर्तन रेडी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे भुना बेसन। आपको क्या करना है, बेसन को भूनना है और इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे भुना बेसन, नेक्स्ट ऐड करेंगे ग्रेटेड अमूल चीज, और साथ में ऐड करेंगे 2 अंडा 1 eggs। मिक्स कर लेंगे। इसमें क्या होता है, बेसन का साथ चीज अच्छा से मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छा से मिक्स कर लिया है, नेक्स्ट ऐड करेंगे हैंग कर्ड। आपको क्या करना है, कितना क्वांटिटी का कबाब बना रहा है उसका हिसाब से आपको क्या करना है, ऐड करना है हैंग कर्ड। नेक्स्ट ऐड करेंगे कैसुनेट पेस्ट 2 बड़ी चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, ऐड करेंगे 1 स्पून व्हाइट सॉल्ट, नेक्स्ट ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर, ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इधर साइड में 2 चम्मच, ग्रीन चिल्ली पेस्ट स्पाइसी का हिसाब से, ग्रीन कार्डमम पाउडर 1/2 चम्मच, रोस्टेड जीरा पाउडर 1 बड़ी स्पून, ब्लैक कार्डमम पाउडर 1 स्पून, कस्तूरी मेथी पाउडर 1 स्पून, ऐड करेंगे लौंग पाउडर, क्लोव्स का पाउडर 1/2 चम्मच। दोस्तों नेक्स्ट लेंगे मिंट लीव्स। ये देख रहे मैंने मिंट लीव्स को अच्छा से सुखा के रखा है, आपको भी सेम ऐसे सुखाना है और इसे अच्छा से पाउडर करके इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1 सूप बॉल फ्रेश क्रीम। तो दोस्तों देख रहे मैंने इसमें सारे मसाला ऐड कर लिया है। आप देख रहे यहाँ पर पैन में लिया है मैंने, मास्टर ऑयल को पूरा गर्म करके रखा है। इसे कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पर देख रहे मैंने कश्मीरी चिल्ली रखा है पाउडर, इस पाउडर का ऊपर ऐड करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे धीरे धीरे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। आपको इसे मिक्स करना है और ज़बरदस्त चटपटा मसाला तैयार करना है। तो दोस्तों देख रहे हमारा मसाला तैयार है, मैंने चेक कर लिया है ज़बरदस्त है। अब हम क्या करेंगे, जब मसाला तैयार हो जाए नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऐड करना है ये फास्ट मैरिनेशन करके रखा हुआ था चिकन।
और चिकन ऐड करके आपको क्या करना है, इसे अच्छा से मिक्स कर लेना है। तो देख रहे मैंने कैसे ही ज़बरदस्त मसाला का साथ चिकन को अच्छा से मैरिनेट कर लिया है। तो दोस्तों देख रहे एक घंटा बीत चुका है, चलो अब हम लगाएंगे कबाब। तो उसके लिए लेंगे तंदूर का सेम ऐसा ही एक सीख, आपको ऐसा सीख लेना है और इस सीख में धीरे धीरे चिकन का कबाब लगाना है। तो आपको धीरे धीरे सीख में पोर्शंस का हिसाब से आराम से चिकन को लगाना है। देख रहे थोड़ा मसाला भी लगाना है, देख रहे। तो दोस्तों चिकन लग के तैयार है पूरा सीख में ज़बरदस्त स्टाइलिश का साथ। आप चलो इसे तंदूर में ग्रिल करते हैं। तो देख रहे आपको क्या करना है, तंदूर का लीड ओपन करना है और कबाब को लेना है तंदूर का बीचों बीच, सेम ऐसा ही रखना है और लीड डालना है और इसे अच्छा से वेल डन ग्रिल कर लेना है। कबाब रेडी है, अब हम धीरे धीरे इसे अच्छा से प्लेटिंग कर लेंगे। देख रहे हमारे यहाँ पर प्रेजेंटेशन में पहले से कर लिया है सलाद का साथ। आपको क्या करना है, चिकन को धीरे धीरे अच्छा से अरेंज कर लेना है। तो कबाब तैयार है, अब आपको क्या करना है, आपका मनपसंद अच्छा से गार्निश कर लीजिए। और इसी भी कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए।